गुरुग्राम में रियान स्कूल में बच्चे की हत्या के बाद भी प्रदेश में प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। अभी तक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के स्टाफ की पुलिस वेरिफिकेशन के आदेश नहीं दिए हैं। अम्बाला में न्यूज 89 के संवाददाता ने इसकी रियलिटी चेक की, जिसमें देखा गया कि कुछ स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए। स्टाफ की वेरिफिकेशन की बात की जाए तो स्कूल अभी प्रशासन के आदेशों की इंतजार कर रहा है। रियान स्कूल में हुई छात्र की हत्या के बाद भी अम्बाला में प्रशासन व निजी स्कूलों ने सबक नहीं लिया। अम्बाला में आज भी बहुत ऐसे स्कूल हैं जहां सीसीटीवी कैमरे हैं ही नहीं, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां कैमरे रिसेप्शन या एंट्री तक सीमित हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां कैमरे स्कूलों की क्लासों के अंदर भी लगे हुए हैं। अम्बाला में किसी भी स्कूल ने अभी तक स्टाफ की वेरिफिकेशन नहीं करवाई है। इसको लेकर स्कूल प्रशासन के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। एक स्कूल ऐसा मिला जिसने मार्च महीने में ही ड्राइवरों की वेरिफिकेशन करवा रखी है, लेकिन बाकी स्टाफ की वेरिफिकेशन नहीं करवाई। कुछ स्कूलों का कहना है कि अभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन रियान स्कूल का मामला देखते हुए अब वे स्टाफ की पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे। इस रियलिटी चेक के बाद न्यूज 89 की टीम जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी पहुंचे। अम्बाला के स्कूलों की स्थिति से उन्हें अवगत करवाया, जहां जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि उनकी अधिकारियों के साथ बैठक हो गई है, सभी शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि यदि कोई स्कूल इन आदेशों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने सब BOs को डायरेक्शन जारी कर दी है, और DC मैडम से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि तुरंत जो है BOs के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं आज इवनिंग में, और सबको लेटर जारी कर दिया है कि अपने अपने ब्लॉक के सब स्कूलों को बाकायदा बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए चेक भी करें, और साथ में उसमें डायरेक्शन भी जारी करें, और अगर किसी की भी पुलिस वेरिफिकेशन किसी एम्प्लॉय की नहीं हुई है तो वो भी पूरी करें, और CCTV कैमराज भी जहाँ इंस्टॉल नहीं है वो इंस्टॉल करना है। बिल्कुल, अगर कोई भी इन नियमों की उल्लंघना करता है और एजुकेशन कोड से बाहर नियमों को तोड़ के जाता है तो बिल्कुल उस पर सख्त कार्रवाई होगी, और बच्चों के हित को सर्वोपरि माना जाएगा, उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। अब आदेश निजी स्कूलों की एसोसिएशन ने भी दे दिए हैं और आदेश जिला शिक्षा विभाग ने भी दे दिए हैं, लेकिन यह आदेश स्कूलों के पास अभी तक तो नहीं पहुंचे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर आदेश रह कहां गए, क्योंकि ना तो स्कूल ने हमें इन आदेशों के बारे में बताया है, ना ही आदेशों की पालना हमें कहीं दिखाई दे रही है। अम्बाला से स्पेशल स्टोरी के लिए राजीव कोचर, न्यूज 89।